आपके पास कैनरा का बैंक अकाउंट है तो इस वीडियो में जानेंगे कैनरा बैंक अकाउंट को डेबिट कार्ड का ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, इसके चार्जेस क्या होंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा। काफी लोग कंफ्यूज हैं, काफी लोग परेशान हैं कि हम जो कैनरा बैंक का डेबिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस वाला एरर आ रही है। डोंट वरी, आपको मेंटेनेंस वाला एरर देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और कोई क्वेरीज हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, मैं इंस्टेंट आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैनरा बैंक का ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे, एंड अपडेट करने के बाद ओपन करेंगे तो इस तरीके से इसका फर्स्ट होम पेज शो होगा। अपने को डेबिट कार्ड अप्लाई करना है एप्लीकेशन को यूज करके, ठीक है। थोड़ा सा आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे और यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे अकाउंट सर्विस, और उसके जस्ट नीचे मिलेगा यहाँ आपका कार्ड का सेक्शन मिलेगा, एंड नीचे ये मिलेगा यहाँ पे अप्लाई डेबिट कार्ड, देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई डेबिट कार्ड, इसके ऊपर आपको वन टैप करना है। एंड यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड और ट्रैक डेबिट कार्ड। आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए ना, वर्चुअल डेबिट कार्ड तो ऑलरेडी होगा आपके पास, क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन में इशू होगा, उसको हम लोग मतलब हाथ से नहीं पकड़ सकते, उसको वर्चुअल बोलते हैं। और फिजिकल कार्ड जो हम लोग ATM मशीन से पैसा विड्रॉ करते हैं उसी को बोलते हैं फिजिकल डेबिट कार्ड। ये हो गया ट्रैक डेबिट कार्ड, जैसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ से तो आप इसको बाद में ट्रैक कर पाओगे कि हमारा डेबिट कार्ड अभी कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कब तक हमें रिसीव हो जाएगा। फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई यहाँ पे टैप करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस होगा, वेट कीजिएगा। यहाँ पे आपके ना पर्सनल यहाँ पे जो एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे शो होगा, आप एक बार अच्छे से देख लेना, उसी एड्रेस पे ये आपका डेबिट कार्ड को डिस्पैच करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ मिलेगा कन्फर्म, इस पर टैप करेंगे, एंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, अपने अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे टैप करेंगे। अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कार्ड टाइप, इस पर टैप करके आप कार्ड टाइप चूज करेंगे, वीजा, रुपए, मास्टर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा रुपए, जो कि इंडियन है, इसको सिलेक्ट करना बेहतर रहेगा। सिलेक्ट कार्ड वेरियंट, इस पर टैप करके अपना कार्ड वेरियंट को चूज करेंगे। आप रुपए के कौन सा कार्ड को लेना चाहते हैं, प्लेटिनियम, डोमेस्टिक, रुपया, PMJDY, जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पे रुपया का डोमेस्टिक लूंगा, एंड उसके बाद इस बॉक्स को टिक करेंगे, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा सबमिट, सबमिट पर टैप करेंगे। हाँ, अगर आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड का चार्जेस पता करना है कि डेबिट कार्ड का चार्जेस कितना है, तो जो आपने यहाँ पे डेबिट कार्ड जो यहाँ पे सेलेक्ट किया ना, इस डेबिट कार्ड का नाम को अपने गूगल क्रोम में सर्च करना, आपको वहाँ पे चार्जेस शो हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। एंड सबमिट पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से आपका मतलब पूरा एड्रेस होगा, यहाँ आपका कार्ड टाइप से होगा, कार्ड ब्रांड होगा, आपको एक बार चेक करना है कन्फर्म है या नहीं। अगर आप लग रहा है कि हाँ सही है तो डायरेक्ट कन्फर्म पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे आता है इंटर MPIN, जो कि आपने नेट बैंकिंग जब आपने मोबाइल बैंकिंग यूज़ किए होंगे, रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो आपने उसी टाइम MPIN क्रिएट किया होगा। उस MPIN को यहाँ पे फिलअप करेंगे और साइन पे टैप करेंगे, इंस्टेंट आपका डेबिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा, और विद इन 15 डेज यानी 15 दिन के अंदर आपके घर पर भी बाई पोस्ट डिस्पैच कर दी जाती है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेबिट कार्ड अप्लीकेशन को यूज़ करके किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। इस वीडियो के यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।